हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, सीमेंट का इतिहास अपन जानेंगे कि आखिर सीमेंट बना कैसे, कहां से आया सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन शुरू करते हैं कि सीमेंट की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, तो अपन मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे निर्माण कार्य में सीमेंट का विशेष महत्व होता है। ठीक है, यह एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। इसे संसार के लगभग सभी देशों में इमारतें भवन बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि यह इमारत भवन बनाने के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, जिसे हमेशा, इसके बिना कुछ निर्माण कार्य नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, यह एक ऐसा पदार्थ है। ठीक है, यह स्लेटी रंग का होता है। ठीक है, यह स्लेटी रंग का पाउडर होता है। जब इसे पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, इस पाउडर को जब कुछ समय के लिए पानी में मिला के छोड़ दिया जाता है तो यह पत्थर का समान सख्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि यह पत्थर के समान किस प्रकार से सख्त हो जाता है, तो यह पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। सीमेंट का आविष्कार ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व रोम में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका इतिहास, 250 वर्ष पूर्व। ठीक है, समझ सकते हो कितने पहले इसका आविष्कार हो चुका है, जो कि रोम में हुआ था। ठीक है, रोम के लोग इसे चूना बालू और ज्वालामुखी की राख के मिश्रण से बनाते थे। किससे दोस्तों, याद रखें, चूना बालू और ज्वालामुखी की राख के मिश्रण से बनाते थे। ठीक है, इस सीमेंट को पोत्सवालाना कहते हैं, क्योंकि यह सीमेंट उन्हें पोत्सवाली नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखें, 250 वर्ष पूर्व रोम में पोत्सवाना नामक जगह में इसका निर्माण हुआ था, और इसी जगह इस सीमेंट को पाया गया इस जगह में, इस कारण इसको पोत्सवालाना कहते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक इसी सीमेंट का उपयोग होता था। ठीक है दोस्तों, पोत्सवालाना सीमेंट का 18वीं सदी तक उपयोग किया जाता रहा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जॉन स्मिटन ने चूना पत्थर और मिट्टी को गर्म करके, जी हाँ दोस्तों, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर थे जॉन स्मिटन, जिन्होंने चूना पत्थर और मिट्टी को गर्म करके एक नए तरह का बेहतरीन सीमेंट बनाया। ठीक है, इसका कई वर्षों तक इस्तेमाल होता रहा। सीमेंट निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण विकास वर्ष 1824 में हुआ। ठीक है दोस्तों, 1824 में जो निर्माण हुआ उसी को आज हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखें, किनके द्वारा किया गया, जॉन स्मिटन द्वारा। ठीक है, इस वर्ष इंग्लैंड के जोसेफ ऑस्पिडिन नामक एक राजमिस्त्री ने सीमेंट का नया फार्मूला बनाया। ठीक है, सोचिए दोस्तों, एक राजमिस्त्री था। ठीक है, उनके द्वारा एक फार्मूला बनाया गया। ठीक है, जिसका नाम जोसेफ ऑस्पिडिन है। ठीक है, उनके द्वारा एक बेहतरीन फार्मूला तैयार किया गया। इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, जो आप आज पढ़ रहे हैं वहीं सीमेंट का नाम है पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको राजमिस्त्री जोसेफ ऑस्पिडिन द्वारा नया फार्मूला बनाकर इस पोर्टलैंड सीमेंट का अच्छा से निर्माण किया गया दोस्तों।
ठीक है, क्योंकि इसका रंग पोर्टलैंड पत्थर से मिलता जुलता था। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में मुख्य रूप से चूना पत्थर और मिट्टी को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर और मिट्टी को उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। इन दोनों पदार्थों को निश्चित अनुपात में लेकर मशीन से पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है। फिर इस पाउडर को पानी के साथ या सूखा मिलाकर गर्म भट्टी में डाला जाता है। भट्टी को धीरे धीरे घुमाया जाता है ताकि सारा पाउडर भली भांति गर्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से एक भट्टी में डाल के इस पाउडर का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम सीमेंट दिया गया। ठीक है, जिसको आज हम यूज करते हैं उसे सीमेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप मिलने वाले पदार्थ को सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसको सीमेंट क्लिंकर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमेंट की शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, देखिए कितना अच्छा, आज हमारे पास कितना अच्छा पदार्थ है दोस्तों, जिसका हम इसके बिना, मतलब मान लीजिए कुछ बनाना निर्माण कार्य तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता दोस्तों सीमेंट के बिना। ठीक है, सीमेंट ने आज बहुत बड़ा अपना जगह ले लिया है दोस्तों निर्माण कार्य में। इसके बिना ये सबसे मुख्य पदार्थ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमेंट की शुरुआत हुई और इस प्रकार से सीमेंट का इतिहास इसमें आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताया दोस्तों। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं। इसी प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं दोस्तों। ठीक है, और ड्राइंग से भी रिलेटेड, हाउस प्लान से रिलेटेड भी वीडियो और कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड भी वीडियो मैं लाते रहता हूं दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हाउस प्लान से रिलेटेड या लेटेस्ट क्या हो रहा है। ठीक है, किसका कैसे निर्माण हुआ, किसका कैसे आविष्कार हुआ, ये सब चीज़ को मैं आपको आगे के वीडियो में बताता जाऊंगा दोस्तों। अगला वीडियो इसी प्रकार से लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।